कोठियां पा के बह जाते हैं, जे कोठियां पा के बह गए तो फाहे ले लेंगे जो इन्होंने जो करजे वाले आते हैं। राजेवाल का बयान सुनिया, राजेवाल कहना करोड़ रुपया चाहिए जे किसान आत्महत्या कर लूगा, तो किसान करोड़ रुपया चाहिए तो सानू नहीं चाहिए करोड़ रुपया, सानू भी मजदूर चाहिए करोड़ रुपया। असं तो कहने भी साढ़ा 500 दिहाड़ी का किया जाए, 6000 रुपया किले का किया जाए। एक एक वोट करके ते किथे बचाता, ते साड़ी सुनाई नहीं हो रही, ते 5 साल 5 महीने च आ जाए। 5000 रुपया जुर्माना इन्हां नूं भी रखा जाऊगा जिहड़ा घट रेट ते जाए। जित्थों तक भी सानूं जाना पिया असीं उत्थों तक पहुंचांगे। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, मैं तो अपना सुखबाठ लाहौरिया तो तुम लाहौरी रिकॉर्ड के जुड़े हुए दोस्तों। इस वक्त मेरे पिछे जोड़ा तुम भारी इकट्ठ देख रहे हो, ये खड़े हैं असं पिंड दोदा हन हल्का गिदड़बा लगता है तो जिला श्री मुक्तसर साहब। मेरे पिछे जोड़ा तुम इकट्ठ देख रहे हो, एक इकट्ठ होया मजदूर वर्ग का होया, झोने के लवाई में रेट में तय करने इकट्ठा होया। तो सारी आप गलबात करते हैं, जिमें कि हर सीजन के थोड़ा बहुत रौला पैंदा पर इस सीजन के काफ़ी वड्डा रौला पै है ना किसान मजदूर का इस झोने है ना लवाई के रेट में लैके भी जोड़ा है 3500 रुपया प्रति एकड़ जी तय की गई है, और जो अपने औरतों के दिहाड़ी का रेट है वो 250 रुपया। तो इतों के अपने टहल सिंह जी अपने प्रधान साहब खड़े ने मजदूर वर्ग के, आप उन्होंने सारी गलबात करते हैं। तो मैं अपने प्रधान साहब सब तो पहला स्वागत कर दूँगा, बहुत धन्यवाद जी थोड़े आने इतने आने से, बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा आने। सब तो पहला तो यह दसो प्रधान साहब कि किसान वर्ग ने जो मतलब शर्त तय की ने 3500 रुपया प्रति एकड़ या फिर होर है ना भी औरतों की दिहाड़ी है ना, तो यह तुहानू की लगता है कि अज महंगाई के दौर सब कुछ जायज़ है? कोई जायज़ नहीं, मजदूरों की कितने सुनाई है नहीं, मजदूरों जिन्हें हम अब तो महंगाई चली जाती है मजदूरों का बनता है कख नहीं। सानू 500 दिहाड़ी होनी चाहिए है तो 6000 किले का झोने की लवाई होनी चाहिए है। साढ़े मजदूर तो तुरे फिरते हैं, इन्हों की कणक का जो रेट आता है वह भी इन्हों मिल जाता है, झोने का रेट आता वह भी इन्हों मिल जाता है। साढ़े वास्ते कोई रेट नहीं, साढ़े वास्ते कोई इन्हों की लवाई का नहीं, साढ़े वास्ते तो मान लो आख देंगे चलो 300 तो आने दिहाड़िए 300 तो भी सानू चाहिए 300 तो 300 तो बंदे जाके चलो जी दिहाड़ी पूरी करके आ जाते हैं। महंगाई इन्नी चली जाती है, 500 के हिसाब न जोड़ा बंदा अज रोटी मतलब चूल्हा जिदा तपद है वह 500 दिहाड़ी ना ही तपद है। जे वो सारे जी कमाई करे तो फिर वह चूल्हा तपूगा नहीं, कोई तपदा नहीं गा, इन्नी महंगाई है। असी कहने भी थोड़ा धन्यवाद होगा, मैं मुख्यमंत्री अपील करदा, कल भी अपील की मुख्यमंत्री भी साढ़े नाल नजायज़ धक्के हो जाते हैं, गरीबों नजायज़ धक्के हो जाते हैं, ये मुख्यमंत्री चुप करके सुता पिया। किसानों तो मतलब ऐलान कर दिता भी उन्होंने मैं झोने की म बजाण का 1500 पाऊंगा, तो साढ़े गरीब न किसी पुछया नहीं गया, साढ़े गरीब का किसी का ऐलान नहीं भी जानू असी 1500 या 2000 असी सरकार को दिता जाऊगा, किसानों दिता जाता तो मजदूरों नहीं दिता जाता, तो गरीबों तूड़ी भी मान लो 4000 4500 ट्राली दी गई है, पर सा इन्हों का मर्जी का रेट है, सानू कोई भी पुछता नहीं गरीबों। ये मैं कहना मुख्यमंत्री भी कहना मजदूरों भी कहना है भी सा रल के चलो, जित है फिर जे रल के चलोंगे तो सब कुछ है, तो नहीं डक्का कुछ नहीं, इतने मिलना नहीं थोड़ा कुछ, ये तो आप दिया चला है आप दिन गल्ला इन्हों दी। हाँ जी, किसान वर्ग ने जोड़ा एक तरह जुर्माना भी तय किया, शायद तुम्हें पता होगा कि जोड़ा उन्होंने है ना नियम उलंघना करेगा 20000 रुपये जुर्माना रखा गया, तो है ना तुम्हें की लगता है भी मतलब कि अपने तहे मत के किसान जो सहमत होगा? नहीं होएगा, साडा जो मजदूर है ये साडा कोई सहमत नहीं होएगा, जिहड़ा सानू मजदूरों नू चाहिए वो जिहड़ा साडी नाल मंग जिहड़ा मजदूरों नाल खड़ूगा तो मजदूर कल नू खड़नगे, जे कोई मजदूरों नाल नहीं खड़ूगा मजदूर फिर वक्रे होणगे जी। जेकर दोनों की आपसी सहमति नहीं होंगी तो है ना मजदूर वर्ग वालों की एक्शन लिया जाएगा कि मतलब कि उस तरह झोने है ना उन्होंने मनमर्जी के रेट पर लै जाएंगे या फिर भी एक हम अड़ी तो अड़के रह जाएगा? असी तो कहने जी अड़के रेट लो जो इन दमीन इन दैलगों का इन दणकों का रेट बढ़ जाता है, सरकार इन्हों दी है तो सानू की दी है, सानू साड़ी दिहाड़ी भी उही है मजदूर की। असी तो कहने भी साढ़ा 500 दिहाड़ी का किया जाए, 6000 रुपया किले का किया जाए झोने की लवाई, सानू ए नहीं भी ये गल इत्थे कर गए तो उत्थे जाके 2500 ते झोना लाई जाना, साड़ी भी मतलब ये है बेनती इन्हों भी 5000 रुपया जुर्माना इन्हों भी रखा जाऊगा जिहड़ा घट रेट से जाऊगा, जे टिक जाएंगे तो चंगे रहेंगे नहीं फिर धक्के तो खाई जाते हैं मजदूर, धक्के तो खाई जाते हैं, धक्के तो पहले भी यही चली जाते हैं तो हूँ भी फिर तो यही चली जाएंगे। असी तो ने मजदूर के एका कर एक ही ना सारा कुछ है, जे एक ही है नहीं तो फिर कुछ भी नहीं गए पल्ले। हुण राजेवाल का बयान सुनिया, राजेवाल कहना करोड़ रुपया चाहिए जे किसान आत्महत्या कर लूगा, तो साढ़े गरीबों ने कुछ भी नहीं कहा इन्होंने मुख्यमंत्री ने कहता भी सानू जे कोई आत्महत्या कर लूगा तो किसान करोड़ रुपया चाहिए तो सानू नहीं चाहिए करोड़ रुपया जी।
सानू भी मजदूर चाहिए करोड़ रुपया। हाँ साढ़े बंदे तो लोन मिलता नहीं, इन्हों लोन मिलते हैं कोठियां पा के बह जाते हैं, जे कोठियां पा के बह गए तो यह फाहे लै लेंगे जो कोई इन्होंने जो करजे वाले आते हैं उदो फाहे लै लेंगे। इस गल का तो किसानों को पता ही है ना कि इस गल का किसानों को पता है कि 300 रुपये दिहाड़ी ना घर नहीं चलते है ना, तो मतलब कि तुम्हें लगता है कि कितना ना कि मजदूर वर्ग को दबाने की कोशिश की जा रही है। पूरा ही है जी, पूरा ही दबाते जी, किसान पूरा ही गरीब न दबाई जा रहे हैं। गरीब का कोई अजकल नहीं रुजगार चल रहा, ना किसी कणक मिली है ना किसी तूड़ी मिली है। इन्हें 4500 रुपया रेट तूड़ी का रेट है, गरीब ने किसी ने तूड़ी नहीं लेगी, किसी ने सब ने सस्ते करके पशु बेचते। किसानों ने तो दवाने दवाने सरकार दवाई बैठी मजदूर सरकार की दें 40-40 हज़ार से मुलाजम रखे आ, तो उत्थे बी ए किए जा 12 पढ़े इतने प्लस टू किए तुरे फिरते हैं, जो उन्होंने 10-10 हज़ार रुपया तनखा देना महीने तो उत्थे रहना बैंक के 40-40 हज़ार वाले फिर भी गल नहीं सुनते, 60-60 हज़ार रुपया लेंदे 70-70 लेंदे तो भी ढड नहीं भरता उन्होंने, तो भी गरीबा के जवाक जो किसी ने 12 पढ़िया जिम्मे जवाकों औखे होकर भराया तो इन्हें किसी ने दिता कुछ, कोई सरकार नहीं सुनती, किसी सरकार ने गल नहीं की गरीब की। मान सरकार लोगों को बदला लिया, बदला लिया के भी की किया सरकार ने, मैं इन्ने बयान सुनता मंत्री साहब के कल सिर्फ कहता आटा दे देंगे, कला 3 महीने तो 5 किलो आटा कि बंदा कहता भी 3 महीने तो 5 किलो आटा लंघ जाएंगे, नहीं लंघ देना जी कि इन्होंने तो बस गरीब में उ कठपुतली समझ रखा है, नचाते हैं बस इन्हों तो बस कोई गलबात नहीं, गरीब का सुनवाई पूरा ही है नहीं, एक डके ही सुनवाई नहीं, सारे दबाते हैं टोटल हमेशा ही दबाने आए, कदे भी कोई मतलब किसी ने गरीब के हक च गल नहीं की, किसी मंत्री ने की किसी ने भी नहीं। तो दोस्तों तुम प्रधान सभा का व्यू देख लिया है ना, तो मतलब कि कितना कित लगता है कि किसान मजदूर का जोड़ा एक है कितना कित मतलब कि टुटता दिखाई दे रहा है, तो है ना साढ़े ना होर भी दो दिन वासी खड़े ने अपना हम गलबात करते हैं। भाजी तुम्हें भी लगता कि जो किसानों ने सारे नियम तय किए हैं है ना आपकी मर्जी ना करते उन्होंने, बट जिमें है ना पहला भी प्रधान साहब दस के हटे कि अच्छे महंगाई के दौर जो घर चला बहुत औखा, तो तुम्हें लगता कि 300 रुपये आप ज़्यादा कि घट है? बहुत घट है जी, इन्हों तो हूँ यदा मार लेंगे धरने मार लेंगे इन्हें ठेके पैलियां के बढ़ जाते हैं, इन्हें जो कणक घट गई ये भी सरकार तो मंग रख लेंगे, जे हम तूड़ी महंगी हुई एक पत्रकार को दसा जिमीदार तो पूछा भी तूड़ी क्यों महंगी करी गई, आता आखिर कि कणक का झाड़ घट सी तूड़ी तो महंगी करी है, हूँ गरीब भी रह गए सारे क तूड़ी बनियो सारे ने पशुओं के संगल लाते जिन्होंने बेचारे ने रखे बहियाँ जिन्हें सस्तियां करके बेच दियाँ, जो तो तूड़ी नहीं मिली गांव तो की करेंगे जी, पट्ठा खोतों नहीं मिलता बाणा चो। दोस्तों इधर वीर के नाल इधर वड्डी गिनती में बीबिया भी कट्ठिया हुई ने, किसान वर्ग ने तय किए सारे रेट, तुहानू कोई लगता जायज़ नहीं? सानू जायज़ ही है, साडा कुछ भी नहीं बन रहा, साडा जायज़ ही है पुत, 1500 रुपया सरकार नू अपने दे रहा भगत मान भी तुसीं बिजांद करो तो मैं तुहानू मुआवजा दूंगा थोड़ी बिजाई दूंगा, तो जेडे गरीबा गरीब है गए एक एक वोट करके ते किथे बचाता, ते साड़ी सुनाई नहीं हो रही, ते 5 साल 5 महीने ची आ जाने। जय जनता जय सुरक्ष जित लोगों की, अज असी दोदे पास दे विच कट रख्या मजदूर का, असी एक दिहाड़ी का झोलिया का जो झोला लवाई है वह 6000 रुपया असी मांग आ, साडे जी 6000 रुपया लाने किसानों को, जिहड़ी साडी दिहाड़ी है मजदूर की 500 होनी चाहिए है, साडे नाल बहुत गरीबां दे धक्के हुंदे आ, असी इन्हां तो बहुत दुखी है, थां थां ते साडे नाल धक्के आ, जिहड़े मतलब जिमीदार अज कब्जे करी बैठे आ जमीनां ते साडे गरीब नूं तां मरना नहीं जांदे, ते 4-4 किलो लक्की बैठे है, कल भी 20 रुपये एक बने है उहदे विच 6 कनाला आपां नूं थां निकलिया ऐसी बड़ी जमीन चो, उहदे तों असीं जदों वट पाउण लगे ने सानूं कहिंदे थोड़ा उत्ते की रख्या है, झोला असी उन्होंने मतलब लग्या झोला उन्होंने लग्या असी पढ़ पढ़ के जो वट पाउण लगे हाँ, फिर उत्थे जज का भी साडा होया तो सानूं कहिंदे थोड़ा उत्ते की है, साडा मोबाइल ही तोड़िया गया, साडी 20 रुपये भी बनी सी, असी मंग भी यह रखी है मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री ने अभी वीडियो भी सेंड की है भी साडा नाल आ हालत होंगे गरीबा का कोई को वट्टी का नहीं, जिहड़ी साडी ऐसी जमीन है उहदे तीजा साल दिता जाए, असी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं, पंचायत अफसर का धन्यवाद करते हैं पाई जाते।
ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੋਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੜਾਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ 500 ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 6000 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੋਦਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 6000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 400 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ 8 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਉਹਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਵੱਧ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।